पलामू के हैदरनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने बाबूलाल मरांडी पहुंचते हैं और उनके साथ पलामू से क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी बीडी राम और विश्रामपुर के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन लोगों का स्वागत किया है और इसी के साथ कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद जो बीजेपी ने की थी उसकी लगातार ये हवा देखने को मिल रही और पलामू में आज ये हवा देखने को मिली जहां पर बाबूलाल मरांडी का यह जोरदार स्वागत किया गया। शत प्रतिशत हमें पोल कराना है, ये संकल्प हम सब लोगों को यहाँ से लेकर के जाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री बनाना है। देश की भी दुनिया की भी बड़ी ताकत है जो लोग लगे हुए हैं किसी भी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना है। देश में भी ढेर सारे दलाल लोग घूम रहे हैं जो वर्षों तक इस देश को खोखला किया था, जो सिर्फ लूटने का ही लोग काम करते रहे हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं रहा है। गांव के कैसे रहते होंगे, गरीब कैसे रहते होंगे, इसकी उन लोगों ने कभी चिंता नहीं की। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किया है उन कामों को देख करके देश और दुनिया के बड़े बड़े ताकतें आज झील। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पलामू जहां से हमारे साथ संवाददाता संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष का एक बार रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए बीजेपी लगातार ये बातें कहती हुई नजर आती है कि बूथ स्तर पर उन्हें अपनी एक पार्टी को मजबूत करना है और यही कारण है कि आज पलामू में बाबूलाल मरांडी थे और बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का एक आयोजन हमें वहां पर देखने को मिला है। जीत की हुंकार वहां से एक देखने को मिली है बाबूलाल की ओर से। संतोष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बता दें कि हुंकार जो है बीजेपी की तरफ से तो जारी हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले तीन दिवसीय जो है पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। आपको बता दें कि आज जो है हुसैनाबाद छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हुंकार भरने का काम किया है। लगातार बीजेपी जो है अपने तैयारी जो है बीजेपी शुरू से कहती आई है कि हम चुनाव के लिए शुरू से ही तैयार हैं और आज इस लोकसभा चुनाव में पहला जो चुनाव प्रचार को लेकर कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी ने हुंकार भरा है। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है, बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता है उन लोगों में जोश भरने का काम किया है। बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर कहा है कि इस बार पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 10% और जो है मतदान को बढ़ाए और सीधा सीधी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के आप वोट दे, सामने प्रत्याशी कौन खड़ा इसे ना देखे, सिर्फ मोदी को देख के वोट दे। तो इस तरीके से जो अपने जो कार्यकर्ता है बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता उन सभी में जोश भरने का लगातार काम किया जा रहा है और 3 दिवसीय दौरे पे हैं और 3 दिवसीय दौरे पे पलामू लोकसभा के संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभाओं में वो उन्होंने सबसे जाके सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं में जोश भरने का पूरी तरह से काम किया है। तो कह सकते कुल मिला के कि जो ये चुनाव होने वाला है उसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से जंग मैदान में है, उसे लेकर अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सबसे अहम जो कड़ी होती है बूथ स्तरीय कार्यकर्ता उन सबको अंदर जोश भरने का ये काम जो है बाबूलाल मरांडी जी ने किया है। आपको बता दें कि ये इधर तो किसी तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन की तरफ से तो अभी तक ये चीजें कंप्लीट बिल्कुल संतोष। तो देखिए अब जो लगातार बीजेपी ये कहती आती है कि बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ताओं को मजबूती देनी है वो मजबूती आज बाबूलाल मरांडी ने शुरुआत की इस मजबूती पर काम को लेकर और 3 दिवसीय इनका दौरा है, लगातार ये जीत की हुंकार भर रहे हैं। अब चुनाव बेहद नजदीक है संतोष और चुनाव में ही जनता तय करेगी कि किसकी ताजपोशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि 3 दिवसीय दौरे पर बाबूलाल मरांडी निकले हैं और ऐसे में लगातार जनता से मुखातिब हो रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।